नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो सॉकेट और दो स्विचों के कनेक्शन करना सीखेंगे। दो सॉकेट वाले एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर हमें किस तरह से कनेक्शन करने होते हैं, तो चलो हम देख लेते हैं। दोस्तों, हमने एक सीट के अंदर दो सॉकेट और दो स्विचों को फिट कर लेना है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये हमारा 6 एम्पीयर का सॉकेट है न्यूट्रल फेज, और ये हमारा अर्थिंग के लिए, और ये हमारा वन वे स्विच। इसके अंदर दो टर्मिनल होते हैं। तो चलो अब हम इनके कनेक्शन को जान लेते हैं कि किस प्रकार से आपको कनेक्शन करने हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं फेज़ वायरिंग। फेज़ वायरिंग के लिए हम यूज़ करेंगे रेड कलर की वायर का। दोस्तों, हमने फेज़ वायर को स्विचों के साथ कंट्रोल करना चाहिए ताकि स्विच ऑफ होते ही उपकरण के अंदर से सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाए। तो हमने इस वायर को स्विचों के नीचे वाले टर्मिनलों पर कनेक्ट कर देना है। दोस्तों, हमने इस वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब हमें स्विच के इस टर्मिनल के साथ सॉकेट के इस टर्मिनल को कनेक्ट करना है। दोस्तों, हमने इस वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब हमें इसी की तरह एक वायर को स्विच के इस टर्मिनल से और सॉकेट के इस टर्मिनल से कनेक्ट करना है। अब हमें फेज़ वाली सप्लाई वाली वायर को स्विचों के नीचे वाले टर्मिनलों पर कनेक्ट करना है। दोस्तों, हमारी फेज़ वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम न्यूट्रल वायरिंग कर लेते हैं। न्यूट्रल के लिए हम यूज़ करेंगे ब्लैक कलर की वायर का। दोस्तों, हमने न्यूट्रल वायर को इस सॉकेट के इस वाले टर्मिनल और इस सॉकेट के इस वाले टर्मिनलों पर कनेक्ट करनी है, और यहीं से हम सप्लाई वाली न्यूट्रल वायर को सप्लाई के लिए बाहर लेके जाएंगे। दोस्तों, हमारी न्यूट्रल और फेज वायरिंग कंप्लीट हो गई है। ये हमारी सप्लाई के लिए वायर को हमने बाहर निकाल लिया है। अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम सीट को टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने सीट को टाइट कर लिया है। अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों, ये हमारी न्यूट्रल फेज है। हमारी बोर्ड को सप्लाई देने के लिए हम यहाँ से बोर्ड को सप्लाई देंगे, इसके बाद हम चेक करेंगे। दोस्तों, ये हमारा ठीक प्रकार से काम कर रहा है। हम इस सॉकेट को भी चेक कर लेते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारे ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, दो सॉकेट वाले एक्सटेंशन बोर्ड के आपको इस तरह से कनेक्शन करने होते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।